2024 को कालका की महान नाट्य संस्था नीलकमल कला मंदिर, जिसके संस्थापक बाबा राम बागवान थे, उनकी पांचवी पुण्यतिथि पर एक संगीत समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में पटियाला, अंबाला, राजपुरा, चंडीगढ़, पंचकूला, जीरकपुर, कालका और पिंजौर के गणमान्य सिंगरों ने शिरकत की, जिसके मुख्य अतिथि MLA प्रदीप चौधरी थे। आए हुए सभी गायकों को सम्मानित भी किया गया। SL म्यूजिक अकेडमी के संपादक हेमंत कुमार इस कार्यक्रम में भी उपस्थित रहे। आज जो है हमारे बड़े भाई साहब इस क्लब के संस्थापक बाबा राम बागवान जी की पांचवी पुण्यतिथि है, जो कि मैं 3 सालों से मना रहा हूँ, क्योंकि जिस समय इनकी मृत्यु हुई है उसके बाद लॉकडाउन लग गया, 2 साल कुछ नहीं कर पाए, तीसरे साल में जाकर इनकी पुण्यतिथि मनाई है। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि मैं उनके नक्शे कदम पर चल के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो सभी कलाकारों को साथ लेकर वो चलने की कोशिश करते थे, मैं भी ये कोशिश कर रहा हूँ कि आने वाली जनरेशन को संगीत के साथ जोड़ें, क्योंकि संगीत एक वो माध्यम है, संगीत एक वो माध्यम है जिससे इंसान सभी जगह मशहूर हो जाता है और चैन और सुकून को पाता है। इस कार्यक्रम में इतना प्रेम मिला है मुझे पटियाला से, हमारे देवेंद्र पुरी जी, सुरेंद्र शर्मा जी और हमारे अब्दुल रहीम रावत जी, चंडीगढ़ से बहुत सारे मेरे साथी, और जिनमें संजीव शर्मा जी और सुनीता धीमान जी, इनके साथ ये मनीष कौशल जी और संजय कौशल जी, ये काफ़ी लोग जो है मेरे साथ जुड़े हैं, और मैं कोशिश करता हूँ इन सभी को साथ लेकर। मरवाला से मेरे साथ प्रदीप वर्मा जी भी उपस्थित हैं, तो काफ़ी दूर दूर से कलाकार इस आज के गेस्ट हमारे प्रदीप चौधरी जी थे, लेकिन वो किसी कारणवश आ नहीं पाए, कहीं और कार्यक्रम बन गया उनका, वहाँ जाना पड़ गया उनका, इसलिए वो आ नहीं पाए, हो सकता है लेट आए पर आएंगे जरूर। ठीक है। हाँ देखिए, बहुत अच्छा सवाल सुनील जी आपने किया। आज का युवा जो है नशे की तरफ को ज्यादा भाग रहा है, और हमारा संदेश यही रहेगा, क्योंकि हमारे बीच कृष्णा राणा जी भी और हमारे हेमंत जी कोशिश करते हैं कि युवाओं को ऐसे रास्ते पर डाला जाए, टेक्नोलॉजी आजकल बहुत तरक्की कर रही है उसमें डाला जाए, और संगीत के साथ वो बहुत दूर दूर तक अपने हुनर को पहुंचा सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना ना भूलें।